तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। इसमें कहा जाए कि एक स्टैंडर्ड लैंप है जो कंज्यूम पावर करता है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक लैंप है, मतलब जो पावर, जो इसका जो पावर है वो 100 वाट अपना कंज्यूम कर रहा है व्हेन कनेक्टेड टू जो एसी सोर्स है, हमने जो एसी सोर्स से कनेक्ट किया, और ये जो एसी सोर्स है वो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, यहाँ अननोन एचडेड है फ्रीक्वेंसी। तो पीक करंट इन द बल्ब, मतलब इस करंट में जो मैक्सिमम करंट जाएगी आई नॉट, हम सबको पता है एसी लगा है तो एसी टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएट करेगा तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें पीक करंट चाहिए तो पीक करंट जो है √2 टाइम्स आई आर एम एस करेंट के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आई आर एम एस पहले निकालेंगे, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई, ये क्या है बल्ब, क्या है यार बल्ब, एक कॉयल ही तो है, बल्ब एक कॉयल है। तो एक एसी में पावर क्या कंज्यूम होता है, एसी में जो पावर होता है वो, या किसी भी जो एवरेज पावर हो, आई और आई भी वोल्टेज और कॉयल ही तो है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये जो है वो आई आर एम एस और वी आर एम एस यहाँ से है, ठीक है। आई आर एम एस और वी आर एम एस, एक ही कि कुल मिला के ये तो एक कॉयल है भाई, ये कॉयल है, ठीक है ना, कॉयल है। तो फेज डिफरेंस आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, तो फेज डिफरेंस यहाँ से प्योर रेजिस्टेंस के केस में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई तुम रखोगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पावर आ जाएगा वो 100, और यहाँ से आई आर एम एस तुम्हें मिल जाएगा, और वी आर एम एस यहाँ पे दिया हुआ 220 वोल्ट। दिस इज ऑलवेज वी आर एम एस, जब तक बताएगा नहीं। तो यहाँ से आई आर एम एस की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, आई आर एम एस की जो वैल्यू है 100/22 आ जाएगी। तो 100/22, इसका मतलब ये हुआ कि 10/11, यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई। अगर सॉरी, यहाँ से कितना दिया था देखो तो यार, 100, ये वैल्यू यहाँ लिटिल बिट मिस्टेक हो गया, ये वैल्यू 220 नहीं था, ये 200 था। तो यहाँ से ये वैल्यू 200 है, सॉरी, तो ये 200 है, तो ये 200 है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 एम्पीयर, ठीक ना, 1/2। तो यहाँ से जो पीक करंट आई नॉट आ जाएगी वो √2 टाइम्स आई आर एम एस आ जाएगा, मतलब √2 टाइम्स आई आर एम एस 1/2, ठीक है। 1/2 यहाँ से रेशनलाइज कर दोगे तो √2 बनेगा, ठीक है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 मतलब जो है 0.707, ठीक है ना, एम्पीयर, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है।